ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ્સ કોંગ્રેસ દ્વારા વિવિધ માંગણીઓના મુદ્દે આગામી 20 જુલાઈના રોજ દેશભરમાં ચક્કાજામ કરવાના અપાયેલા એલાનના પગલે વાપીમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના હોદ્દેદારોની મળેલી બેઠકમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ અને ચક્કાજામમાં સામેલ થવાની જાહેરાત કરી હતી. વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ ભરત ઠક્કરની ઉપસ્થિતિમાં મળેલ આ બેઠકમાં ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ કોંગ્રેસના પ્રમુખ એસ કે મિત્તલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓની ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગની વિવિધ માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવાના મુદ્દે 20 જુલાઈના રોજ હડતાળ પાડી ચક્કાજામ કરવાના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. अगर 10,000 मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 20 जुलाई से सुबह 6 बजे तक देशव्यापी इनडेफिनिट चक्का जाम का कॉल किया है. आज हम वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में आए हैं. सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है. मुद्दे हमारे सरकार के पास हमने कई समय से रखे हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल पा रहा है. मजबूरन हमें ये ठोस फैसला लेना पड़ रहा है कि 20 जुलाई को हम अपना काम देश भर में जहाँ पर भी 93 लाख गाड़ियां हमारी है वो खड़ी हो जाएंगे. डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, हमारा यही मानना है कि जो एक्साइज में लगातार आपने बढ़ोतरी की है उसमें कटौती लाएं और इस उद्योग को बचाएं. डीजल की कीमतों को कम करके इस उद्योग को बचाएं, आम नागरिक को बचाएं और दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ती हैं इसको आप 3 महीने में एक बार बढ़ाएँ या घटाएँ और इसको GST के दायरे में लाएँ. टोल बैरियर फ्री इंडिया, हम टोल के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस तरह से टोल हमसे वसूला जा रहा है उसके हम खिलाफ़ हैं. 8 से 9 रुपये लीटर हम रोड डेवलपमेंट सेस देते हैं जिसकी की राशि 1,04,000 करोड़ हम डीजल के माध्यम से सड़कों के निर्माण के लिए देते हैं. दूसरी तरफ हम 8 से 9 रुपये किलोमीटर हम टोल का भुगतान करते हैं, रुक रुक कर भुगतान करते हैं जिसका हमें हमारा नुकसान, ये एक स्टडी रिपोर्ट है जो कि मंत्री साहब नितिन गडकरी ने खुद रिलीज़ की है और इसका उल्लेख पार्लियामेंट में एक बार नहीं अनेकों बार किया है कि जो गाड़ियाँ टोल प्लाजा पर रुकती हैं उनका समय की बर्बादी और ईंधन की बर्बादी 1,47,000 करोड़ की सालाना होती है और जो राशि इकट्ठी हो रही है वो 20,000 करोड़ है. हमारा यही मानना है कि हम आपको टोल का पैसा देने को तैयार हैं. आप किस प्रकार से हमारे से लेना चाहते हैं आप ले लीजिए लेकिन जो बैरियर है इससे इंडिया को मुक्त करें, हमें मुक्त करें, देश को मुक्त करें कि हमें सहूलत हो, आम नागरिक को सहूलत हो. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें कटौती लाई जाए. नेशनल परमिट फॉर द बसेस हो और जो TDS जो भार हमारे ऊपर अभी 2 बरस पहले लादा गया है उसे वापस लें. 44A जो अमेंडमेंट हुई है जो कि स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को प्रभावित करेगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन काम है, एक नहीं अनेकों परेशानियां आ गई, उसको ध्यान में रखते हुए वो अमेंडमेंट को वापस लिया जाए. ये कुछ मुख्य मांगे लेके हमने ये कॉल दिया हुआ है 20 जुलाई 2018 सुबह 6 बजे से. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ना प्रतिनिधियों यहाँ बता रहे थे, એમની જોડે અમારી મિટિંગ થઈ, જે અમારા મુદ્દા હતા એ અમે રજૂ કર્યા. ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ કોંગ્રેસ અને અખિલ ગુજરાત ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટના કહેવા પર અમે લોકોએ આ 20 તારીખનો જે ચક્કાજામ છે એને સફળ બનાવવા માટે આપણે સપોર્ટ કરીએ છીએ. અમારી વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન હર હંમેશ ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે જ રહ્યો છે અને રહેવાનું છે. અહીંથી આ મિટિંગ બોલાવી અને એ લોકોને અમે ખાતરી આપી છે કે વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન ચક્કાજામની અંદર સફળપૂર્વક અને રહેશે અને સફળ બનાવશે એ હું વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ હોતી એ લોકોને ખાતરી આપી છે.